नमस्कार, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पिता की अंतिम इच्छा के लिए बेटियों ने रची मिसाल। उत्तराखंड में ईदगाह को दी बेशकीमती जमीन। बता दें कि इन दिनों धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक तनाव और हिंदू मुस्लिम टकराव की खबरें जहां शांति और सौहार्द का माहौल बिगाड़ रही है, वहीं उत्तराखंड से दो बहनों ने सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी मिसाल कायम की है। ईद से ठीक पहले दो हिंदू बहनों ने ईदगाह के विस्तार के लिए एक बड़ी जमीन दान में दे दी। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर की ईदगाह के लिए 2 एकड़ से ज्यादा जमीन दान करने वाली इन दो बहनों ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि अपने स्वर्गीय पिता की अंतिम इच्छा पूरी कर सके। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में ईद सामान्य तौर पर पारंपरिक उल्लास के साथ मनाई गई। हालांकि हरिद्वार जिले के भगवानपुर हिस्से में कुछ तनाव रहा। पिछले दिनों हनुमान जयंती के मौके पर रुड़की के करीब डाटा जलालपुर गाँव में सांप्रदायिक तनाव फैला था, जिसके चलते हरिद्वार जिले में ईद को लेकर पुलिस प्रशासन ने विशेष बंदोबस्त किए थे। इस तनाव से कुछ दूर काशीपुर में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल 62 वर्षीय अनीता और उनकी 57 वर्षीय बहन सरोज ने रची। दोनों बहनों के इस कदम की चारों ओर तारीफ हो रही है। साल 2003 में 80 साल की उम्र में परलोक सिधारे लाल ब्रज नंदन अस्तोगी काशीपुर में किसान थे। उनकी जमीन का हिस्सा उनकी बेटियों को मिला था। उनके निधन के लंबे समय के बाद परिवार और रिश्तेदारों से बेटियों को पता चला कि उनके पिता जमीन का एक हिस्सा ईदगाह को देना चाहते थे, लेकिन बेटियों से कहने में संकोच करते थे। यह जानने के बाद मेरठ में रहने वाली सरोज और दिल्ली में रहने वाली अनीता ने बातचीत की और बीते रविवार को जमीन सौंपने की कागजी कार्रवाई पूरी कर दी। इस जमीन की कीमत 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जो ईदगाह को सौंपी गई। अनीता और सरोज के भाई राकेश रस्तोगी के हवाले से एक खबर में कहा गया, मेरे पिता सांप्रदायिक सद्भावना में विश्वास रखते थे। वही ईदगाह कमेटी के हसीन खान ने लाला को बड़े दिलवाला करार देकर कहा, मेरे पिता और लाला अच्छे दोस्त थे और उन्होंने हम सबको सांप्रदायिक एकता का पाठ पढ़ाया। लाला जब थे तब भी बढ़ चढ़कर दान और सेवा करते थे। यह कहकर खान ने इस इलाके को सांप्रदायिक समरसता का गढ़ भी बताया। इन बहनों के दान ने मुसलमानों के दिल को छू लिया है और उन्होंने भी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। देश के विभिन्न हिस्सों से आ रही सांप्रदायिक तनाव की खबरों के बीच दो बहनों की यह उदारता उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के छोटे से शहर काशीपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ईदगाह कमेटी के हसीन खान ने कहा, दोनों बहनें सांप्रदायिक एकता की जीती जागती मिसाल है। ईदगाह कमेटी उनकी उस उदारता के लिए उनका आभार व्यक्त करती है। दोनों बहनों को जल्द ही अभिनंदन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।